नमस्कार, लेवन स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। इस समय दुनिया में सबसे बड़ा थ्रेट, भले ही ओमिक्रोन ने जाहिर तौर पर थोड़ा परेशान जरूर किया है, क्योंकि नए वेरिएंट से लोगों में दहशत है और ये देखने को भी मिल रहा है, ऐसे केसेस मिले हैं। लेकिन अगर एड्स की बात करें तो एड्स के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। झारखंड में लगातार बढ़ रहे हैं एचआईवी पॉजिटिव मरीज। राज्य में 12,732 एचआईवी पॉजिटिव मरीज मौजूद। रांची में विभाग द्वारा चिन्हित 14 सेक्स वर्करों का परिवार मौजूद। हर साल बढ़ रहे हैं 1200 मरीज। भारत में लगभग 24 लाख एचआईवी पॉजिटिव मरीज। झारखंड में हजारीबाग का चरही और डाल्टनगंज में 2 रेड लाइट एरिया। ट्रक ड्राइवर एचआईवी को पूरे राज्य और देश में फैलाते हैं। स्वास्थ्य विभाग का पूरा फोकस इस समय कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रोन पर है, लेकिन समाज को सबसे ज्यादा खतरा एचआईवी से, क्योंकि आज की तारीख में झारखंड में 12,617 एचआईवी पॉजिटिव मरीज हैं। नाको के प्रमुख भुवनेश प्रताप सिंह के मुताबिक हर साल इसमें 1200 की संख्या जुड़ रही है। विश्व में 4 करोड़ तो भारत में लगभग 24 लाख एचआईवी पॉजिटिव मरीज हैं। की दृष्टि से हमारे राज्य में इसमें 12,617 लोग हैं जो जिन्हें हम PLHIV बोलते हैं, यानी पर्सन लिविंग विद HIV। अब तक हमारे ART सेंटर्स में पिछले 20 साल में 25,800 लोग रिपोर्ट किए हैं हमारे ART सेंटर्स में, और आज की डेट में 12,617 लोग हैं जो जीवित हैं और जो दवाइयां ले रहे हैं। राज्य में तकरीबन 4,000 से 5,000 FSWs हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक FSW मतलब फीमेल सेक्स वर्कर्स, तो ये एक अनऑर्गेनाइज्ड है। और हम लोगों का बेसिकली एड्स कंट्रोल सोसाइटी का रोल रहता है कि लोगों के बीच में सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस के बारे में उनको बताना। झारखंड के 12 सदर अस्पतालों और बड़े सरकारी अस्पतालों में HIV पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर बनाए गए। एक नजर रोगियों की संख्या पर डालते हैं। बोकारो में 416, देवघर में 619, धनबाद में 1181, डाल्टनगंज में 998, हजारीबाग में 3,118, रांची में 1,493, गिरिडीह में 1,228, जामताड़ा में 1,836। वयस्क मर्दों की तादाद 5,984, वयस्क महिलाओं की तादाद 5,667, बच्चों में लड़कियों की तादाद 446, बच्चों की तादाद 612, HIV पॉजिटिव ट्रांसजेंडर की तादाद 23। और हमारी सोसाइटी के द्वारा अब हम लोगों ने प्लान भी किया कि हर 3 महीने में हम सभी पेशेंट्स की जांच करना शुरू करेंगे हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर। झारखंड में हजारीबाग का चरही और डाल्टनगंज 2 रेड लाइट एरिया है। अकेले रांची में विभाग द्वारा चिन्हित 14 सेक्स वर्करों का परिवार मौजूद है। 12,617 में 4,500 के करीब लोग हैं जिनको हम पेंशन दे रहे हैं। सभी को अंत्योदय अन्न योजना से भी हम लोगों ने जोड़ने का सरकार ने संकल्प लिया है, तो उसमें भी हमारे अभी 4,000-5,000 लोग हैं जो जुड़े हैं। आयुष्मान योजना में भी सभी ऑलमोस्ट 50% लोग जुड़े हैं। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो HIV पीड़ित लोगों के लिए हैं। स्थिति बेहद खतरनाक है। फैलता HIV समाज के लिए बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। जाने अनजाने में बहुत सारे लोग इस जानलेवा बीमारी का शिकार बन रहे हैं। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। झारखंड में लगातार बढ़ रहे HIV पॉजिटिव मरीज। तो राज्य में लगातार एड्स के मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। और जाहिर तौर पर इस पर भी जागरूकता के लिए, चूंकि आज 1 दिसंबर है, एड्स दिवस मनाया जाता है और जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है, इस पर और ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी शहनवाज अख्तर बने हुए हैं। शहनवाज, एड्स दिवस है, जाहिर तौर पर इसमें कई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, लेकिन जिस तरीके से एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता की बात है। जी हाँ, आंकड़े बेहद खतरनाक इशारे करते हैं। और हम इन दिनों कोरोना वायरस ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन इससे भी कहीं खतरनाक वायरस मौजूद है HIV पॉजिटिव की शक्ल में। अकेले झारखंड में 12,732 HIV पॉजिटिव मरीज हैं जो HIV के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनको सिर्फ झारखंड में 14 सिलेक्टेड सेंटर्स में, ART सेंटर्स में
हर महीने जाना पड़ता है, जहां पर बाकायदा उनकी पूरी जांच होती है और उनकी इलाज की कोशिश होती है। बहुत सारे लोग हो सकता है ठीक भी हो जाएं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है। 12,732 का जो मौजूदा आंकड़ा है उसमें 1200 लोग हाल फिलहाल जुड़े हैं, इस साल जुड़े हैं, यानी हर साल 1200 के आसपास नए लोग एचआईवी पॉजिटिव हो रहे हैं। और इसी रिसर्च के नतीजे में मुझे मालूम हुआ कि अकेले रांची में 14 सेक्स वर्कर्स के परिवार हैं यहाँ पर, जहाँ पर लोग जा कर के अपनी जो यौन तृप्ति है उसके लिए पैसे देते हैं, वहाँ जाते हैं, और वहाँ नैको के लोग भी जाते हैं, एनजीओ जो डिप्यूटेड है वो भी वहाँ पर जाता है, और बाकायदा कंडोम की भी डिलीवरी होती है और लोगों को समझाया बुझाया भी जाता है कि आपको सरकार सारी सुविधाएं दे रही है, इस पेशे को छोड़ दें। लेकिन लाइवलीहुड के साथ जुड़ा हुआ है, प्लस पिछले 2 सालों से ये जो कोरोना वायरस का चल रहा है मामला, इसके वजह से लोगों का रोज़गार प्रभावित हुआ है। वहाँ पर अधिकारियों ने, नैको के अधिकारी जो वहाँ पर कंडोम लेके जाते हैं, उन्होंने ये बात कही कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आते हैं जो कंडोम के इस्तेमाल से भी इनकार कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अकेले रांची में ऐसे 14 स्पॉट्स हैं, 2 चलंत स्पॉट्स है। वहीं ऑफिस में ही हमें मालूम हुआ कि चरही और पलामू में डाल्टनगंज 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां बिल्कुल शहनवाज, जाहिर तौर पर ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, लेकिन लोगों को इससे बचने की जरूरत है और जागरूकता फैलाने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज जानकारी के लिए। तो राज्य में विभाग द्वारा चिन्हित 14 ऐसे परिवार हैं जो इस तरह के काम में हैं, और जिस तरीके से संख्या एचआईवी पॉजिटिव की बढ़ रही है, जाहिर तौर पर सचेत होने की जरूरत है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।